नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। दीपावली को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, लोगों में दिख रहा है उत्साह। रविवार को मनाई जाएगी दीपावली। काली पूजा को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी, प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। विक्रमशिला महाविहार के विकास को लेकर खुदाई स्थल पर हेरिटेज वॉक का हुआ आयोजन। नालंदा की तर्ज पर विक्रमशिला के विकास पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना का किया शुभारंभ, पर्यावरण संरक्षण का दिलाया संकल्प। और भागलपुर के जगदीशपुर में युवक ने फंदा डालकर की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को पूरे देश में दीपों का त्यौहार दीपावली धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। भागलपुर शहर के विभिन्न इलाकों में दीपावली पर्व को लेकर अस्थायी दुकानें सजी हुई है, जहां लोग त्यौहार को लेकर जमकर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार से सामान की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में तरह तरह के दिए, आर्टिफिशियल रंगोली, घर कुंडा, सनसनाटी एवं कई तरह की जरूरत के सामान खरीद रहे हैं। मिट्टी के दिए एवं खिलौने बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि मिट्टी से बने दिए एवं खिलौने कोई भी नहीं लेना चाहता है, सभी आर्टिफिशियल दिए एवं खिलौने ही लेना पसंद कर रहे हैं। इससे हम लोगों को काफी नुकसान हुआ है। कल पानी पड़ रहा था, इसलिए लेकर मार्केट नुकसान पे है। कल कुछ अभी एक नहीं बिका है, यानी भीड़ ही नहीं है, मार्केट नहीं है। सारा रुझान चाइनीज आइटम के। हाँ, क्या करते हो, किस क्लास में? हाई। तो ये फिर ये खरकुंडा जो है कौन बना के बेच रहा है? हम बनाए। कैसे पीस बेच रहा है इसको, एक खरकुंडा? 120 रुपया में। सुबह से कितना पीस बेच चुका है? एक भी नहीं बेचा है, यानी बाजार नहीं है। काली पूजा की तैयारी भागलपुर में जोर शोर से चल रही है। मां काली की प्रतिमा रविवार की रात्रि पूरे विधि विधान के साथ वेदी पर स्थापित की जाएगी। पूजा कमेटी के सदस्य मेला को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। प्रतिमा का निर्माण अंतिम चरण में। शहर के अलावा पश्चिम बंगाल के कलाकार मां काली की भव्य प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। शहर में काली पूजा के दौरान पूजा कमेटियां भव्य पंडाल का निर्माण कराती है। पूजा को लेकर बाजार में भी चहल पहल बढ़ गई है। वहीं 29 अक्टूबर को विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही पूजा के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। दिनांक 27 तारीख को रात्रि के 12 बजे मैया अपने स्थान पे स्थापित होगी और 27 को ही 12:30 बजे निशा पूजा का आयोजन किया गया है और 28 और 29 को यहाँ शांतिपूर्ण मेला का आयोजन किया जाता है। मैया काली स्थान में यहाँ के समाज के चारों ओर के आदमी मेला देखने आते हैं। 27 तारीख की रात में मैया जो है अपने स्थान पर चढ़ेगी 11 बजे रात में। उसके बाद 1 घंटा जो है उनका पोशाक जेवर वगैरह बनाया जाएगा। 12 बजे रात्रि से जो है उनकी पूजा आराधना शुरू हो जाएगी और 28 तारीख के सुबह में खोइचा बलि प्रदान, कुमारिका भोजन, ब्राह्मण भोजन और शाम में मैया की प्रतिमा का जो है विसर्जन, दही चूड़ा का भोग लगेगा। विक्रमशिला महाविहार के विकास एवं जन जागरूकता के लिए मीडिया विषयक संगोष्ठी का आयोजन शनिवार को खुदाई स्थल पर हुआ। संगोष्ठी का उद्घाटन DIG विकास वैभव एवं पुरातत्व विभाग के अधिकारी ने दीप जलाकर किया। इस दौरान मौजूद अतिथियों को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विश्व में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, लेकिन बिहार में जिस तरह नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ है, उस तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास नहीं हो पाया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर पद्मश्री मोहम्मद के पवन कुमार चौधरी, शिव शंकर सिंह पारिजात, रिपूज्य ठाकुर, गीता यूपू ने क्रिस्टल समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे।
बिहार सरकार की ओर से शनिवार को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम से 1,358 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की, जिसका सीधा प्रसारण राज्य के विभिन्न जिले एवं पंचायतों में किया गया। मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर लोगों से पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन में अपनाने की अपील की। इस दौरान भागलपुर के विभिन्न प्रखंडों और कृषि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में लोगों ने मुख्यमंत्री का सीधा संवाद सुना और उसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजीशन पाएं, फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894, 8210975763, 7542931524, 6200102297, बलुआ टोला, करेला, नाथनगर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के जगदीशपुर में एक युवक ने फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जगदीशपुर पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवक की पहचान कटिहार के कोठिया निवासी ललन गुप्ता के 16 वर्षीय पुत्र विजय कुमार उर्फ मोनू के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक मोनू शुक्रवार को अपने नाना जगदीशपुर बाजार निवासी गोपाल भगत के घर आया था। रात करीब 10 बजे घर के सभी सदस्य सो रहे थे, इसी दौरान मृतक पंखे में फंदा डाल कर झूल गया। सुबह जब घर के सदस्य मोनू को जगाने गए तो वह फंदे से झूल रहा था, जिसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना जगदीशपुर थाना को दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गंगा की स्वच्छता के लिए इस बार सभी प्रतिमाओं का विसर्जन अस्थायी तालाब में किया जाएगा। इसको लेकर 3 जगहों पर अस्थायी तालाब का निर्माण कार्य चल रहा है। 29 अक्टूबर को मां काली की प्रतिमाओं का विसर्जन अस्थायी तालाब में होगा, जिसको लेकर मुसहरी घाट पर 150 फीट लंबे तालाब का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तालाब निर्माण को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने विसर्जन से पूर्व अस्थायी घाट तैयार कर लेने का निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिया है, लेकिन जिस रफ्तार से कार्य हो रहा है उससे लग रहा है कि विसर्जन से पूर्व तीनों अस्थायी तालाब को तैयार करना नगर निगम के लिए चुनौती होगी। भागलपुर के SKP स्कूल में शनिवार को रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वर्ग 6 से 9 वर्ग तक के छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। प्राचार्य ने कहा कि दीपावली में बच्चों के बीच सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत रखने की प्रेरणा दी गई। इस दौरान छात्राओं ने आकर्षक रंगोलियों का निर्माण कर सबका मन मोह लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर शोभा सिंह, मणिकांत विक्रम, SK सिंह, CD सिंह सहित विद्यालय के शिक्षक एवं छात्राएं मौजूद थी। विक्रमशिला पुल के समानांतर बनने वाले 4-लेन पुल की रिपोर्ट अभियंताओं ने सड़क परिवहन मंत्रालय को सौंप दी है। अब जल्द ही DPR तैयार करने का काम शुरू हो जाएगा। दरअसल बुधवार को दिल्ली से आई अभियंताओं की टीम ने भागलपुर 0 माइल से लेकर नौगछिया 0 माइल तक का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर ही DPR का काम आगे बढ़ेगा। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा। दीपावली को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, लोगों में दिख रहा है उत्साह। रविवार को मनाई जाएगी दीपावली। काली पूजा को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी, प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। विक्रमशिला महाविहार के विकास को लेकर खुदाई स्थल पर हेरिटेज वॉक का हुआ आयोजन। नालंदा की तर्ज पर विक्रमशिला के विकास पर हुई चर्चा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना का किया शुभारंभ, पर्यावरण संरक्षण का दिलाया संकल्प। और भागलपुर के जगदीशपुर में युवक ने फंदा डालकर की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।